big congratulations, Rongli Bapu ji, finally Thank you got the opportunity post of Cabinet Sports Secretary. सर आप सब जैसे आपने अपने स्पीच में कहा कि आप 2011-12 का बाद से स्टेन पॉलिटिक्स थोड़ा दूर रहा अपने आतासों में भी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर रहा लेकिन अब तो बहुत से साल का बाद आप ब्रेक होकर इस पोस्ट में फिर आंसर में आने जा रहे हैं तो पब्लिक ये जानना चाहते हैं कि रोंगली बापू जो स्टूडेंट है और जो स्टूडेंट वोटर लोग ये कहते हैं कि इतना साल गैपिंग क्यों रहा और कंटिन्यू क्यों नहीं किया एक अच्छा लीडर होने के नाते आपने इतना टाइम टेकिंग क्यों कर ओके दैट्स अ वेरी जेन्युइन क्वेश्चन सभी अभी सोचता है कि मैं इतना लेटली क्यों आंसू प्लेटफॉर्म में मैं आया बोल के सो मैं सभी को मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं ये चीज़ को मैं जज करने में मैं अपना टाइम को मैंने लगाया था तो मैंने देखा है कि आंसू ऐसा प्लेटफॉर्म में गेम्स एंड स्पोर्ट्स सेक्रेटरी में बहुत लोग आता है आने के बाद में वो लोग अपना अच्छा अच्छा एक ना रखता है अपना एम एन ऑब्जेक्शन को मैनिफेस्टो को बट मैं ये 6 ईयर्स में गायब रहा मैं एनालाइज करने में मैंने अपना टाइम दिया कि एग्जैक्टली हमारा आंसू ऐसा प्लेटफॉर्म में गेम एंड स्पोर्ट्स सेक्रेटरी जो बनता है जो उभरता है वो क्यों इतना मतलब ये एग्जैक्टली फील्ड में वर्कआउट नहीं करता है तो ये एनालाइज करने में मेरा ऑलमोस्ट इट टुक मी 6 to 7 ईयर्स सो वो सभी एनालाइज को मैं अपना अभी कंप्लीट करने के बाद में मुझे आंसू ऐसा प्लेटफॉर्म में आके मुझे गेम एंड स्पोर्ट्स सेक्रेटरी में मुझे बन के मुझे क्या करना चाहिए ये चीज़ को मैंने पूरा स्टडी करने के बाद में अभी मैं दोबारा आंसू ऐसा प्लेटफॉर्म में आ रहा हूँ सर जैसा आपको ये कहना है कि जो आपने इस पोस्ट के लिए एनालाइज किया वेट किया और आप ये मौका है आपका जो एक्सपीरियंस वेटिंग एक्सपीरियंस आपका जो जितने भी स्पोर्ट कैटेगरी में एक्सपीरियंस है तो आने वाला जो आंसू ये इलेक्शन का जो अगर आप जीत भी जाते हैं तो आपका इम्प्लीमेंटेशन करने जा रहे हैं तो स्टूडेंट को अब किस तरह का फाइनली ये गोट द राइट टिकट जो मिल चुका है आतासू की तरफ से तो आतासू टीम को आप क्या कहना चाहेंगे मैं वेरी फर्स्टली मेरा आतासू जितना भी एग्जीक्यूटिव मेंबर्स है लीडिंग बाय प्रेसिडेंट गोंगली मिंगम सभी को मैं दिल से थैंक यू कहना चाहूँगा मेरा आतासू टीम एना मेरा इंटायर जितना ताली बेल से बिलोंग करता है सभी ने मुझे परखा है उसने भी मुझे एनालिस किया है कि गोंगली बापू कैंडिडेट कैसा है ये कल में आंसू ऐसा प्लेटफॉर्म में रह के ये कल में आगे कुछ समाज के लिए सर्व कर पाएगा नहीं पाएगा वो लोग भी ये जांचा है एंड आफ्टर दैट वो सभी जांचने के बाद में उन लोगों के साथ ऐसा लगा है कि ये गोंगली बापू आंसू ऐसा प्लेटफॉर्म में जाके ये कल में निशी समाज को अपने स्टेट को सर्व कर पाएगा वो सोच के मुझे आज का दिन मुझे ऑफिशियल दिया है सर लास्ट क्वेश्चन है कि जो आतासू की तरफ से आप लोगों को अंडरटेकिंग लिया गया है इस इशू के लेके आप क्या बात करना चाहेंगे हाँ ये एक बहुत ही अच्छा एक प्रोसेस है कि ना इसको हम लोग वो डिनाय नहीं करता है कोई भी अगर अपना एरिया से अगर वो बिलोंग करता है तो वो कभी अपने एरिया का अगेंस्ट में अपने एरिया की इंटीग्रिटी में ना या फिर अपने एरिया का यूनिटी को ब्रेकडाउन करने की ट्राई करता है तो उसको हाँ हम लोग वहाँ एंटी डिक्लेयर करना चाहिए ये इसमें मैं तो सहमत हूँ इसीलिए मैंने भी वहाँ पर अपना कॉन्ट्रीब्यूशन मारा है हाँ ये जो अपना डिक्लेरेशन दिया है ये अच्छा है बोल के उसे मैं सपोर्ट करता हूँ थैंक यू वेरी मच ओके ओके थैंक यू